माइनस वन बाय एक्स, यहां तक समझा? अभी इधर एलसीएम लेते हैं पी क्यू, तो ये हो जाता है क्यू प्लस पी। इधर एलसीएम लेते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, लेकिन माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उन्नति अगर आपको ठंडी लग रहा है तो आप जाओ पूछे, जिसको ठंडी लगते पूछे, आपको टेंशन नहीं लेना। यह पंखा चलेगा ठीक है, क्या है आपके पास सोल्यूशन है, आप पीछे जा सकते हो, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, मैं श्योर होता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, तो फिर तू और डर जाएगी। हॉरर शो थोड़ी दिन में देखा जाता है, रात को देखा जाता है। ठीक है बच्चे, अब ये कैंसिल हो गया है ना, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स हम ऐसा कैंसिल कर सकते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ब्रैकेट भी खोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज माइनस पी क्यू, समझा था ना? अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सब टर्म्स को एक साथ मिलाएंगे। ये चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये एक्स स्क्वायर्ड है, एक्स एक्स प्लस पी क्यू एक्स प्लस पी, दैट इज एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू इज जीरो, therefore x plus p is 0 or x plus q is 0, therefore x is minus p or x is minus p, so yeah. Next round, aaj ka round question hogi, ye samne last time bhi solve kiya tha, to aapke book mein hoga zarur, to copy karne ki koi zarurat nahi hai। सर मुझे मतलब कार के स्पीड से ना दो अलग दो अलग अलग कार्स पे मतलब कार्स स्पीड पे जो है ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, तो सर उसका जो फॉर्मूला रहता है निकालने का वो बता दो। पहले वो बताया तो उसमें पहले क्या लिखने का सर, प्लीज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सब कुछ ऐसा कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि तुम जो तुमको जो डिफरेंस दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम दिस covers the distance in 1 hour less or 1 hour more, चाहे वो 1 hour less हो 1 hour more हो कुछ भी हो, formula एक ही है, time taken by the slower minus time taken by the faster vehicle is the difference in time। मतलब अगर मैं example दूँ तो suppose एक 30 upon इसका speed x था, हाँ, और जो ये गाड़ी थी उसका स्पीड था x प्लस 5, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड है, ये तुम्हारा इंक्रीज स्पीड है, तो स्पीड इंक्रीज करेगा तो दिस विल बिकम द फास्टर कार एंड द फास्टर कार विल कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर लेस, एग्जांपल। सर उसमें t क्या है क्या सर, दो स्पीड्स की होगे तो t क्या है, अरे पोपट मैं वही बता रहा हूँ ना, तेरे को ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करना होता है उसको x लेने का, इंक्रीज स्पीड x प्लस 5, फिर क्यों t1 t2 के कंफ्यूजन में पड़ता है, टाइम टेकन बाय द स्लोअर, जिसका स्पीड ज्यादा होगा दैट इज टाइम टेकन बाय द फास्टर, और अगर ऐसा आता है कि स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड होगा तो अब यह स्लोअर हो जाएगा और ये फास्टर हो जाएगा, फॉर्मूला एक ही है। अगर तुम्हारा मैं स्पीड रिड्यूस करता हूं, तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड x था तो तुम्हारा न्यू स्पीड क्या होगा, x माइनस 5, और जब मैं आपका स्पीड रिड्यूस करता हूं तो यू बिकम द स्लोअर व्हीकल, जब मैं आपका स्पीड इंक्रीज करता हूं तो यू बिकम द फास्टर व्हीकल, एंड इट इज x प्लस 5। कांसेप्ट सुन लो, t1 t2 बाय हार्ट मत करो, एक ही कांसेप्ट है, स्लोअर माइनस फास्टर इज द डिफरेंस इन टाइम, ओवर। Next.
find the number that you will be subtracted going. That's so far. Yes, sir. Achha, when the polynomial x cube plus 1 over. Huh? 2x cube. 4x is 8.1. Uh-huh. So 2x cube minus this thing. Uh-huh. देखो, the polynomial this and this leave the same remainder when divided by x minus 2. Let x minus 2 be equal to 0. Therefore, x is equal to 2. Again, now, p of x. They leave the same remainder when x is 2. So when it comes to p of 2, 2 cube, 7, 2 square, 7, 2 minus 6. 2 cube is 8, 8 2s are 16, 2 square is 4, 4 7s are 28, 7 2s are 14, minus 6. 16 plus 14, 30, 30 minus 28, 2. 2 minus 6, 2 minus 4. Now I'm taking the second polynomial. X cube minus 4x squared plus 8 plus 1 into x minus 12. Yahan bhi main x ko 2 bhi dalunga because both are being divided by x minus 2. So 4, cube of 2, 2 cube, 4 into 2 squared. A plus 1 into 2 minus 12. 2 cubed 8. 2 squared 4. 4 fours are 16. Plus 2a plus 2 minus 12. 2a. 8 plus 2. 10. 10 minus 12 minus 2. Minus 2 minus 16 minus 18. So ye mera remainder hai second polynomial ka. ये मेरा रिमाइंडर है फर्स्ट पॉलिनोमियल का. गिवन दैट दे लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है ना. देयरफॉर 2a माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 4. 2a इज इक्वल टू 18 माइनस 4. 2a इज इक्वल टू 14. a इज इक्वल टू 7. प्लस Quadratic equation first exercises. Just a second, something. I'm sorry, exercise 5.1, page 36. Find the value of P, the following has equal roots. What do you know? I say, no? Four x squared minus p minus 2x plus 1 is equal to 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अब इसको शुरू कैसे करेंगे. कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए इज 4, बी इज साइन के साथ लेना है सब टर्म्स. इसका पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव. इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव. लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव. साइन के साथ ही लेना है टर्म्स को. अभी मैं बोलता हूं सिंस रूट
goods are real and equal. Equal the end of labor. Therefore, V squared minus 4AC is equal to 0. Therefore, minus of P minus 2, the whole square, minus 4 into A into C is equal to 0. Now, here negative number, square of a negative number or a positive number is always positive. So, here A minus B, the whole square, A squared minus 2AB plus B squared minus 16 is equal to 0. P squared minus 4P minus 12 is equal to 0. Splitting the middle term, here minus 12, here minus 4, so minus 6 and plus 2. P squared minus 6P plus 2P minus 12 is equal to 0. Therefore, P into P minus 6 plus 2 into P minus 6 is equal to 0. Therefore, P minus 6 into P plus 2 is equal to 0. Therefore, P minus 6 is equal to 0, or P plus 2 is equal to 0. Therefore, P is equal to 6, or P is equal to minus 2. Thanks. Equal to Iga, sigma B squared minus 4 is equal to 0. A squared minus 2AB plus B squared. No, thank you very much. You can come for the next lecture. A squared minus 2AB plus B squared. ये मेरा a, ये मेरा b, a minus b का whole square का formula है a square minus 2ab plus b square. ये मेरा a क्या है p, 2 a b plus b square. Quadratic.
कौन सा बोल पेज बोल पे डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 7 एंड द प्रोडक्ट इज 4. देखो राइट, वन नंबर x क्या मैं लिखता हूं, स्मॉलर नंबर x therefore the greater number will be x plus 7, yes or no? तेरे मार्क्स में और मेरे मार्क्स में डिफरेंस 7 का है, तो अगर मेरे को 10 मिला है तो मेरे को कितना मिलेगा? हाँ अच्छा है, 7 निकला, बच गया. तू 3 बोलता तो मैं काम पे ही देता हूँ. तो x plus 7 है कि नहीं? And the product is 450 by the given condition x into x plus 7 is equal to 450. समझा ये product. Therefore, x squared plus 7x minus 450 is equal to 0. अभी अपने को 450 को factorize करने का, ये negative है. हाँ, ये negative है. तो मतलब एक factor negative मिलेगा, एक factor positive मिलेगा. लेकिन ये जो middle term का sign है, positive है. मतलब बड़ा factor positive, छोटा factor negative. अब हम इसको तोड़ते जाते हैं. 225. 3. Excuse me. 75 फिर से 3 25. अब देख थोड़ा रुक जा, 3 3s 9 2s 25 18 के बीच में डिफरेंस 7 है ना. तो अभी मैंने ऐसा थोड़ा इसको कि ये बड़ा फैक्टर है 25, ये 18 जो है छोटा फैक्टर. 25 minus 18 is 7. Therefore x squared plus 25x minus 18x minus 450 is equal to 0. X into x plus 25 minus 18. अब तेरे को मालूम नहीं है, कुछ नहीं, ये सेम इधर छाप लेने का बात कर, सेम आना ही समझा. क्योंकि देखो 18 का टेबल आता नहीं, मेरे को भी नहीं आता, लेकिन मेरे को एक आता है कि इधर और इधर सेम आने का बात कर. Therefore x plus 25 into x minus 18 is equal to 0. Therefore, x plus 25 is equal to 0, or x minus 18 is equal to 0. Therefore, x is minus 25. Minus 25 does not belong to natural numbers, hence ignore. Therefore, x is equal to 18. Smaller number is 18. Therefore, the bigger number is 18 plus 7, that is 25. Therefore, the two numbers are 18 and 25. Next. ये फीचर क्यों डिपेंड है? सर कॉमर्स का स्टूडेंट है. आराम से ले, आराम से ले, टेंशन नहीं ले बॉस. कितना जाना है? Thank you.
Range of the set from which value to which value? There's someone who says minus 5 less than or equal to x less than or equal to 9. Yes, sir. The range of set is not there. We have an equation is not there. I'm not expecting no trouble, but it's not so much to make sense in the world. जितना पढ़ने का बैठ पढ़ने का ना मैं बोला है ये पंखा पढ़ने होगा आपको पीछे बैठने का नीचे बैठने का बैठ जाएगा मैं आपको कह चुका हूँ ठीक है एक नंबर इंटरसेक्शन तो है ये चक्कर है नहीं वो भी मैं मैंने बोला कि मैं इंटरसेक्शन अभी पास है हाँ तब आगे और किया तो बालू में तब वो किया होगा कोई बात नहीं चलो सामने ना अधिकारी ना पहले इसका सॉल्व कर सर इंटरसेक्शन और सुजेन का डिफरेंस करना नहीं पहले इसका सॉल्व कर लो फिर तेरे को बताएगा इफ एक्स प्लस ए इज अ कॉमन फैक्टर लेट एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो लेंगे आप राइट तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा It is a common factor for f of x is equal to x squared plus px plus q. Therefore, f of minus a is equal to 0, calling factor f of minus a is equal to 0. Therefore, f of minus a is equal to minus a the whole squared plus p into minus a plus q. f of minus a क्या है zero ये क्या है a square minus ap plus q इसको हम बोलेंगे डब्बा नंबर वन ठीक है and g of x that is x square plus mx plus n ठीक है तो अभी यहाँ पे एक सब कॉमन फैक्टर मतलब g of minus a is also equal to zero तो वो g of minus a is equal to minus a the whole square plus m into minus a plus n this is zero is equal to a square minus a m plus n this is equation number two कॉमन फैक्टर है ये भी जीरो है ये भी जीरो है इक्वेटिंग वन एंड टू ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया देयरफॉर ए एम माइनस ए पी एक ही साइड में ए को लाया इज इक्वल टू एन माइनस क्यू A common m minus p is equal to n minus q. A is equal to n minus q upon n minus p. A prove karna hai na? Yeah, A is equal to n minus q upon n minus p. Next. A is x such that 11x y, na? अब पहले इसको सॉल्व करते हैं 11x minus 5 greater than 7x plus 3 ठीक है
11x minus 7x greater than 3 plus 5. 4x greater than 8. X greater than 2. फिर हम जाते हैं बी को x सच कर 18x minus 9 greater than 15 plus 12x. X belongs to real numbers. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं 18x minus 9 greater than 12x minus 15 plus 12x. Get all the x's on the same side, all the numbers on the other side. 18 minus 6x greater than 15 plus 9, 24. X greater than or equal to 4. ठीक है, अभी पूछा है फाइंड द रेंज सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब अभी सिखाता हूँ क्यों, नंबर लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा क्यों, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा तब को समझेगा क्यों, अभी तेरे को कुछ नहीं समझे. सोच ले कि मैं जो रेड से बना रहा हूं वो ए के लिए है, रियल नंबर्स, तो ए का कैसे आता, ऐसे है कि नहीं, ग्रेटर देन टू, बराबर है कि नहीं बच्चे. और अगर मैं बी का बनाता ब्लू से, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ये मेरा फाइनल था. सर अगर वो इंटरसेक्शन भी हो जाए तो क्या जब मुझे अगर ए इंटरसेक्शन भी ऐसे मिलता, ऐसा नहीं, क्योंकि देख उसके नीचे वो डांडी नहीं है, इधर फोर इंक्लूडेड है, तो उसके नीचे डांडी है. यू अंडरस्टैंड्स? ये वाला बस हो गया. रियल नंबर्स में हमेशा ऐसा सिंपलर फॉर्म में लिखा जाता है. नेचुरल नंबर्स होता है, होल नंबर्स होता है, इंटीजर्स होता है, तो उधर हम माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो के साथ
Yes, sir. स्कूल के बारे में क्या पूछ रहे हैं? मैंने पूछा अगले हफ्ते से यूपी बंद है क्यों? मैं कल आया था, साथ आया था। अच्छा, प्रॉफिट में जीएसटी नहीं मांग रहा है तो जीएसटी तो प्रॉफिट पे दिया जाता है ना। सेकंड एक्सरसाइज में नहीं किया हम लोगों ने इनपुट टैक्स रेट माइनस करके। What is GST? GST on profit. Output tax minus input tax is GST. CB will also add it with GST. That's for sure. So the GST there, GST there. CB there was a cost with market price like what we had. और डिस्काउंट नहीं है सब कुछ। हां इसका मतलब तेरा कॉस्ट प्राइस 5000 है। हां अभी बोल। हां मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट बनाना है 2000 प्रॉफिट है। और जीएसटी फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ कॉस्ट टैक्स 10%। तो तेरे को प्रॉफिट 2000 है ना, तो नेट जीएसटी पेएबल विल बी 10% ऑफ 2000। बात खत्म। 5000 भूल गया, सब कुछ भूल गया, 2000। तो कहते तूने इससे चीज खरीदा 5000 में, तूने इसको जीएसटी 10% भरा, तो तूने इसको 500 रुपये भरा है तेरे पॉकेट से। अभी तूने वो चीज बोडी को बेची 7000 में, 2000 प्रॉफिट में बेची, तो तुम बोडी से भी जीएसटी लेगा कितने लगा रहे? जीएसटी कलेक्ट करेगा क्योंकि तुझे गवर्नमेंट को देना है, तो तू 10% ऑफ 7000 लेगा। बोलने से 700 रुपए लेंगे, ये 700 रुपए तो गवर्नमेंट को देगा नहीं देगा, इतना ईमानदार मत बनो। तूने 500 गाड़ी दे दिया इसको, इसने गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा 500, तेरे को खाली 200 रुपए दे देंगे। तेरे को खाली 200 रुपए पे 2000 रुपए जो तेरा प्रॉफिट है ना, उसको जीएसटी भी देना है। ऑलरेडी दे चुका ना इसको, जब तूने इससे चीज खरीदा, इसने जिस दिन बिल बनाया, इसने तेरे को बोला था कि भाई ये चीज 5000 रुपए की है, इस पर 10% जीएसटी है, तो तू मेरे को 5500 रुपए देगा। तूने इसको 5500 रुपए दिया, 500 रुपया तुमने जीएसटी भरा। तू भी एक दुकानदार ही है, तू अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है, अल्टीमेट कंज्यूमर गोल्डी है। तूने वो चीज 7000 में बेचा गोल्डी को, तो गोल्डी से कुछ भी टैक्स कलेक्ट करेगा 10%, 700 कलेक्ट करेगा, उसमें से तूने 500 ऑलरेडी दे चुका है। तू 200 गवर्नमेंट क्या देखता है कि फाइनल सेलिंग प्राइस गोल्डी को कितना था? 7000 पे गवर्नमेंट को 10% मतलब 700 रुपए मिलना चाहिए, मिला कि नहीं मिला? 500 रुपए इससे मिला, 200 रुपए तेरे से मिला। तुम लोगों ने कुछ नहीं भरा, पूरा गोल्ड ही नहीं भरा, लेकिन भरा कौन था कि तुम लोग ने, क्योंकि तुम लोग बिजनेसमैन है, वो कंज्यूमर है। अभी मैं बुक खरीदता हूं तो मैं जीएसटी भरता हूं, लेकिन जाकर मैं दुकान गवर्नमेंट के लाइन में नहीं खड़ा रहता हूं, वो जीएसटी मेरे से सेलर कलेक्ट करता है, वो पे करता है, क्योंकि उसका धंधा है वो, दैट्स बिजनेस। मेरा बिजनेस नहीं है, वो आई एम कंज्यूमर। हां बोलिए। Any question? Any question? Yes.
लेस देन 2.33 हां वेरी गुड सर तो उसका होता है अभी ये रियल नंबर है कि क्या है अभी मैं देखो सब दिखा दो देखो इसमें देखो मैं चारों केस दिखाता हूं इंटीजर दिखाता हूं नेचुरल नंबर दिखाता हूं होल नंबर दिखाता हूं रियल नंबर दिखाता हूं देख लेते हैं मुझे तो सवाल पूछने को इतना नेचर तो सोचा था कि मैंने 7000 की कौन सी चीज करनी है देख लेना अंदर बॉडी का डाउट है टेंशन मत लीजिए ठीक है बॉडी सॉल्यूशन सेट व्हेन इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हाँ 1, 2 बस When it belongs to whole numbers, when it belongs to integers, when it belongs to real numbers. अभी इसका ग्राफ देख लो हर एक का One, two, natural numbers, 0, 1, 2, integers, टीचर को बैठ के देख लेते Page 9, 1, 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
10.1 का कौन सा बच्चे 7th वाला क्लास ऑफ है ना हां फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ये मैंने बताया था तुम लोगों को 10th टर्म फ्रॉम द एंड में क्या करना था ये देखो उल्टा कर देने का बात कर बता उल्टा कर देने का ये देख ये तेरा एपी है अभी 4 9 14 .254 इसको सीधा पहले उल्टा लिख देने का मतलब ये लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट टर्म बिकम लास्ट टर्म अभी जब तूने उल्टा लिखा इसको तो तेरा ए ये हो गया एपी का मतलब क्या होता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका 4 -9 -5 तेरे को 10th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड एंड इज 10 देयरफॉर टी 10 फ्रॉम द एंड इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी That is, the TN का फॉर्मूला है देखो T10 is equal to A 254 10 minus 1 into minus 5 This is 254 minus 45 9 5 are 45 That is 209 Class So this is the 10th term from the end मेरे को ऐसे जाते हैं बात करो वो जैसा कर लीजिए कर भाई इजी पे बताता हूँ सर मेरे को जो कर लेंगे कर मेरे को मत पूछ मेरे को बता मत बात ये समझा रहे नहीं मेरे को तो ऐसा कर लीजिए तो कर बात एक तो और तो मेरे को ये मेरे को कोऑर्डिनेट के पूछा था यार मेरे को तुझे को अरे पूरे पूछा था जो क्या मैं पूछा था A stone is thrown. Vertically downwards in the formula is this. Gives a distance d meters that falls. How long will it take to fall 420 meters? मतलब d को अपन 420 डालेंगे बात खत्म फिर फैक्टर इधर से बिटवीन द मिडिल डन डिस्टेंस दिया ना तेरे को बेटा हां कितना दिया डिस्टेंस 420 16 t स्क्वायर प्लस 40 अब इसको डिवाइड बाय 4 कर तो ये कितना हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 4 t स्क्वायर प्लस t 40 squared plus t minus 105 is equal to 0. अब इसको 105 को अपन factorize करेंगे तो ये 35 होता है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है? अब ये 7 threes are 21, 5 fours are 20. इधर t common, 40 plus 21. Minus 5 common 4t plus 21. So 4t plus 21 into t minus 5 is equal to 0. This will give you t is minus 21 by 4. Time can never be negative. T is 5. Plus. मतलब उसको t की जगह से मैंने वो 420 डाला और फिर quadratic equation बन गया फिर मैंने फैक्टराइज किया और इसको डिनोमिनेटर किया बात करो जो एज वाले सम्स आते हैं उसमें मतलब बेसिक क्या होता है बेसिक इतना होता है कि अगर मैं एज और एज का कंपैरिजन दिया जाता है फादर एंड सन का तो अगर अपन 5 इयर्स के बाद में का बात करते हैं तो एक बार जो बच्चे को भूल जाते हैं दोनों लोग 5 दोनों साइड में 5 ऐड करते हैं क्योंकि आज तो अगर 15 का है और तेरे फादर 40 के है तो 5 साल के बाद में तू भी 5 साल बढ़ रहा है पापा भी 5 साल बढ़ रहे हैं और अगर 2 साल पहले की बात करें तो तभी तू 2 साल तू भी छोटा था पापा भी 2 साल छोटे थे तू तभी का ना पापा का भी ऐसा मेन उसमें वही करना है और लैंग्वेज के साथ जाना है एज ऑफ द फादर फादर को रेफरेंस साइड में रखना इज इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक में याद रखने का वर्ब आता है इज वाज वर कुड बी शुड बी equal to I1.
वर्क के पहले जो भी आएगा लेफ्ट हैंड साइड, वर्क के बाद में आएगा राइट हैंड साइड. प्रियंका है ना, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ, मतलब 20,000 एट 10% इंटरेस्ट. इफ शी गेट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,550, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच एन रूम नाइन. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी एन एन प्लस वन बाई टू into R upon 100 into 1/12. ठीक है, ये कितना है? 5500. ये 5550, ये 1000 है. n मालूम नहीं, रेट कितना है? 10 1/12 100. हाँ, 100 हो गया. 8 2 8 2 8 8. अरे ना कुछ होगा, फाइव से डिवाइड होगा, एक एक एक. ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 12 इंटू 111. n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इंटू 111 इज इक्वल टू 0. अभी 111 जो है वो 3 को डिवाइड, 3 से डिवाइड होता है ना? यस, 37. 3 12s are 36. मेरा फैक्टर्स है 37n 36n. इज दिस क्लियर? n into n plus 37 minus 12, 36 common. n plus 37 is equal to 0. n plus 37 into n minus 36 is equal to 0. n is minus 37. n is 36 months, or that is 3 years. So, yeah. सर इंडो फंडेशनल पॉइंट नहीं आ रहा है नहीं कर रहा है मैं कहता हूं थोड़ी देर सब पे एबीसी के लिए सर ये सेम फॉर्म में क्लास में डाल दिया सर एक्सरसाइज और सब नहीं सर नहीं ना तो दिया ना क्वेश्चन में तो सम तो पढ़ना तेरा पूरा ध्यान प्रियंका पे है सम पे है सम पे ध्यान दे रहे लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे प्रियंका पे ध्यान देता स्क्वायर ऑफ अ सन्स एज. Ten years later, अभी देख, बहुत सिंपल है. ये सन है, ये वुमन है. ये 5 years ago है, ठीक है? ये प्रेजेंट है, और ये आफ्टर 10 years हो. ठीक है, 5 years ago
A woman's age was sun x tha, to woman x squared thi. Abhi sun kitna hai? X plus. Woman kitni hai? X plus. Barabar. Abhi 10 saal ke baad mein sun kitna hoega? X plus 10. X plus 15. Yeah. Nahi maar kar de. Abhi ye sun pe dhyan de. अरे ये प्रेजेंट है तो तू 10 साल के बाद भी कितना है तेरा ध्यान है ही नहीं सन पे उसका ध्यान नहीं है मैं वो भी बोल रहा हूँ वो मतलब राइट बोलता था 10 years later her age will be twice that of her son's age 10 years later her age will be twice the sun's age. बस हो गया इक्वेशन बन गया क्या बन गया इक्वेशन इसको मुझे बड़े वो वुमन बन गई पूरा ध्यान इधर देने का हाँ समझ गया बेटा जब टेबल तू बनाएगा ना तो ही तू सम समझेगा और तभी जाके टीचर को सब समझेगा कि तेरे को सम समझाए तो सर अगर आप चेक करते तो आपके लिए अगर मेरे को अगर जो बच्चे लिए टेबल बनाया ना अगर इधर रॉन्ग भी गया ना तो भी मैं उसको मार्क्स देता क्योंकि उसने क्वेश्चन तो समझा है ठीक है नहीं तो सर आप आ रहे हो ना आप हो गया ना ये क्या है x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इधर x इज माइनस थ्री आएगा नॉट एक्सेप्टेबल x इज फाइव अपने को बोला क्या ढूंढने के लिए देख फाइव इयर्स अगो ये जो था ना ये फाइव था आगे बोल और सेकंड था प्रेजेंट एज ऑफ द वुमन 30 x स्क्वायर हेलो सर x स्क्वायर इज 5 5 स्क्वायर इज 25 25 प्लस 5 30 क्या हो गया तो कम टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज कम आइए सर आइए सब कैसे ठीक है तेरा भाई आया किधर है वो सर एग्जाम सीरियस कर ओ भाई खुद ही लिया सर ध्यान दे तू आफ्टर 10 इयर्स इतना समझा रहा था she will be two times the age of her son ध्यान नहीं देता वो शी पे उसका गाड़ी रुक जाते हैं Yeah.